सुभाषितानी। हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा बड़ों का आदर करना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए इत्यादि। इन्हीं अच्छी बातों का अनुसरण करते हुए हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। आइए आज सुभाषितानी पाठ के माध्यम से कुछ और सुवचनों को जाने तथा जीवन में उन्हें अपनाने की कोशिश करें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम्, मूढ़े हे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वयः पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम् इति, परन्तु मूढ़े हे पाषाण खंडेषु एव रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, ये तीन ही रत्न हैं। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों को अनमोल रत्नों की पहचान नहीं होती। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वयः पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। इसका अर्थ है सत्य से ही पृथ्वी धारित की जाती है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य की ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित होता है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वयः दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न ही कर्तव्यः यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। इसका अर्थ है दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, नम्रता में और नए नए कार्यों में बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी बहुत रत्नों से भरी हुई है। सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम्, सद्भिर्विर्वादम् मैत्रीम् च नासाद्भिः किञ्चिदाचरेत्। अन्वयः सद्भिः सह एव आसीत्, सद्भिः सह संगतिम् कुर्वीत, सद्भिः सह विवादम् मैत्रीम् च कुर्वीत, न असद्भिः सह किञ्चिन आचरेत्। इसका अर्थ है हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए तथा सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों से ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अन्वयः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च अपि त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। इसका अर्थ है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में,
तथा आहार व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ता है वही सुखी रहता है। क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़गह करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वयः लोके क्षमा वशीकृति ही अस्ति, क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड़गह अस्ति, तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या क्या नहीं सिद्ध होता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ हो सकता है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा,